सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। मेरी बात मान, नहीं तो ना ये पोछे वाला पानी पी ले। तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगा। पानी दे दो। क्या क्या क्या, फिर से बोल, फिर से बोल। मैं मानूंगा तुम्हारी बात, पानी दे दो। मतलब तू मेरे साथ हाँ करेगा ना? ये लीजिए आपकी चाय। लो अमित बेटा, चाय तुम्हारी भी। अमित, तुम अपने लिए मैथ्स की ट्यूशन क्यों नहीं देख लेते हो? अभी मुझे भी इतना नहीं आता और मैं करा नहीं पाती हूँ तुम्हें। मैं सारे ट्यूशन सेंटर ना बहुत दूर दूर है, अब रहने दो, मैं खुद ही कर लूंगा। आती हूँ। अरे रेशमा आओ। सॉरी कविता, तुम्हें परेशान करने आ गई। एक्चुअली थोड़ी सी चीनी चाहिए। इसमें तंग करने की क्या बात है, मैं लेके आती हूँ। इतना परेशान क्यों? वो आंटी, ये मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा मुझसे ना। मैं सॉल्व करूं? हाँ? हाँ? क्यों? पढ़ी लिखी नहीं लगती मैं? नहीं नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। एक तो ना तुम पहले मुझे आंटी बोलना बंद करो। कॉल मी रेशमा। ओके ओके रेशमा। लाओ। अरे वांटी, आई मीन रेशमा, आपने तो कर दिया सॉल्व। अमित, ये क्या रेशमा क्यों बुला रहे हो? मैंने ही बोला है उसे, मुझे रेशमा बुलाने के लिए। कोई आंटी बोलता है ना तो ऐसा लगता है जैसे मेरी उम्र बहुत हो गई है। लेकिन अरे कुछ नहीं होता। चल मैं चलती हूँ। अमित, अगर तुम चाहो ना तो मैथ्स और साइंस पढ़ने मेरे पास आ सकते हो। ये अच्छा आइडिया है। ठीक है, मैं कल से आता हूँ आपके पास। ठीक है, ओके। अमित आओ, आओ अंदर आओ। ऐसे क्या देख रहे हो? नहीं, वो आज आप सुंदर लग रहे हो ना इसलिए। अच्छा, रोज सुंदर नहीं लगती मैं? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। चल बैठो।
कौन सा सम सॉल्व नहीं हो रहा है? Naughty boy, ऐसे क्या देख रहे हो? नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस मुझे पता है तुम मुझे पसंद करते हो। मैं नहीं ऐसा कुछ, मतलब हाँ लेकिन वैसे नहीं। मैंने देखा है तुम मुझे देखते रहते हो। अच्छा वैसे मैं तुम्हें पसंद हूँ या नहीं वो तो नहीं पता, पर तुम ना अच्छा। अगर मेरा कोई बॉयफ्रेंड होता ना बिल्कुल तुम्हारे जैसा होता। तुम बनोगे मेरे बॉयफ्रेंड? मैं कैसे? जैसे होता है वैसे। सोच लो मेरे जैसी टेंशन फ्री गर्लफ्रेंड और कहीं नहीं मिलेगी। चल आओ। कहाँ? अच्छा हो गया ना, अमित की भी ट्यूशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अरे अमित बेटा आ जाओ चाय पी लो। और कैसी रही तुम्हारी क्लास? क्लास तो बहुत अच्छी रही मैम, बहुत अच्छा पढ़ाती है वो, अब तो मैं वही पढ़ूंगा। चलो अच्छा, अब तुम्हारे एग्जाम की टेंशन भी खत्म होगी है ना। अमित ये तुम्हारे गले में लाल लाल क्या लगा है? कहाँ मां कहाँ? लिपस्टिक है क्या? अच्छा ये नहीं मम्मी, वो ना मैं डायग्राम बना रहा था तो बस उसी का कलर लग गया। बेटा ये तुम्हारी मम्मी है ना, वो तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही फिक्र करती है इसलिए। जी बाबा। अमित क्या हुआ भाई, बिना बात किए जा रहे हो? तबीयत तो ठीक है? जी पापा। आज तो तुम्हारे पेपर्स के रिजल्ट आने वाले थे। मैथ्स और साइंस को छोड़ के बाकी सबके मिल गए। और हमेशा की तरह तुम अव्वल नंबर आए होंगे, मुझे पता था। चलो खाना खा लेते हैं। और वैसे भी रेशमा जी के वहाँ पे तुम्हें पढ़ने जाना है? नहीं बाबा, मेरे ना सर में बहुत दर्द हो रहा है तो आज मैं वहां पढ़ने नहीं जाऊंगा, मैं बस अंदर जाके अभी सो जाऊंगा। ये क्या बात है? अरे रहने दीजिए उसे, उसे आराम करने दीजिए। ठीक है बेटा तुम आराम कर लो और उसके बाद खाना खा लेना। तो आ जाना चाहिए था, कहाँ रह गया अमित?
खून क्यों काट रही है मेरा? अरे रेशमा आओ, चाय पियोगी? अरे क्यों नहीं। कैसी रेशमा जी? अमित कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा, आज पढ़ने भी नहीं आया। उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो अपने कमरे में रेस्ट कर रहा है। अच्छा, मैं मिलकर आऊँ? हाँ, अगर वो सो नहीं रहा है तो तुम मिल लो उससे। बस अब ये रिश्ता और आगे नहीं निभा सकता। क्या? क्या मतलब? वही मतलब जो तुमने सुना है। तुम्हारे इन सब के चक्करों में ना मैं पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहा और इस बार मेरे मार्क्स इतने कम आए हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं फाइनल में फेल हो जाऊं। कोई बात नहीं, अब से हम एक काम करेंगे, थोड़ी पढ़ाई करेंगे और थोड़ा नहीं बस। और अब तुम यहां से चली जाओ, बस तुम जाओ यहां से, जाओ। श्रवित, तू मुझे भगाएगा? कितनी हिम्मत हो गई है तेरी? हाँ, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? हाँ, पहले मजे ले लिए और अब छोड़ना चाहता है? ये तो नहीं हो सकता। तुमको जो करना है कर लो, लेकिन आज के बाद ये रिश्ता यहीं कर। अच्छा, ये तो वो हसीन पल हैं जो हमने साथ बिताए थे। तुम इतनी घटिया औरत हो, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे धोखा दिया, धोखा तुमने मुझे ये सब रिकॉर्ड करके। हाँ? अच्छा बच्चू, तू मुझे सिखाएगा? देख, सीधी तरीके से मान जा, नहीं तो ये वीडियो ना मैं सबको दिखाऊंगी और तुझ पे रेप का इल्जाम लगाऊंगी। सोच, फिर तो पढ़ाई कैसे करेगा? तेरे माँ बाप का क्या होगा? वो तो मर ही जाएंगे। तो अब तो तेरे पास एक ही रास्ता है। आज तुझे माफ कर देती हूँ, कल से चुपचाप मेरे घर आ जाना, ठीक है? अरे रेशमा, तुम्हारी चाय। मुझे नहीं चाहिए, अमित को दे दो, इसे चाय की बहुत जरूरत है। मुझे थोड़ा काम है, मैं बाद में आती हूँ। किशोरावस्था का पड़ाव बहुत ही रोमांचक लगता है। इस अवस्था में हमें हर चीज की जिज्ञासा रहती है और हम हर उस चीज को अनुभव करना चाहते हैं जो हमारे सामने है, लेकिन कई बार हमारी इच्छाएं हमें एक ऐसे बवंडर में फंसा देती है जहां से चाहकर भी हम बाहर नहीं निकल पाते। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड में हम आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जहां एक औरत अपनी हवस को पूरा करने के लिए ब्लैकमेलिंग का सहारा लेकर एक मासूम लड़के को अपने हाथ की कठपुतली बनाना चाहती थी। रेशमा की बढ़ती उम्र और अकेलापन उसको अमित की ओर आकर्षित करता चला गया और अमित भी रेशमा की तरफ आकर्षित था, क्योंकि किशोरावस्था में अक्सर हम अपने से बड़ी उम्र के लोगों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, जैसे स्कूल में कोई शिक्षक अच्छा लगता है या कोई और। ये बहुत ही प्राकृतिक है, लेकिन रेशमा का अकेलापन उसकी जिद बनता जा रहा था। उसका घिनौना रूप अब सामने आ गया था। उसकी लालसा ने अमित को फंसाने की तैयारी कर ली थी। क्या अमित उसके झांसे में ऐसे ही फंसा रहेगा? क्या रेशमा उस वीडियो के जरिए उसका फायदा उठाती रहेगी या अमित अपने आप को इस मुसीबत से बाहर निकाल लेगा? आइए देखते हैं। सुन, 5 मिनट में यहां नहीं पहुंचा ना, वीडियो तेरी मां को भेज दूंगी।
अरे वाह, बड़ी जल्दी आ गया। पहिए लगे हैं क्या पैर में? चल आ जा। बहुत तंग कर लिया तूने मुझे। मुझे तेरे साथ जबरदस्ती नहीं करनी। जैसे हमारा रिश्ता था पहले, मुझे वैसा ही चाहिए। प्लीज, मुझसे अब ये सब नहीं हो सकता। ऐसे कैसे नहीं होगा? सुन, तू ना एक काम कर, आज यहीं रह जा। तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल भी। तू चाहे तो सब हो सकता है। अरे लेकिन मैं मम्मी पापा को क्या बोलूंगा? उन्हें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब से तू मेरे साथ है। मुझे छोड़ के तू कहीं नहीं जा रहा। तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें पता भी है? ठीक है, फिर तेरी मर्जी। मैं क्या करूं फिर? तेरी माँ को ना वो वीडियो भेज ही देती हूँ। कहाँ है कविता का नंबर? कहाँ है कविता का नंबर? कविता, हाँ ये रहा। नहीं नहीं, ठीक है, तुम जैसा बोलोगी मैं करने के लिए तैयार। वेरी गुड। तो एक काम कर, सबसे पहले अपना फोन ऑफ कर और एक कोने में जाके चुपचाप पड़ा रहे। जैसे मैं बोलूं वैसे कर ले, ठीक है? पार्टी अच्छी थी ना? ठीक थी। ठीक। अरे अमित कहाँ है? अमित, अमित, अमित बेटा, अमित, अमित, अमित कहाँ गया? ये तो बिना बताए कहीं पे भी नहीं जाता है। अमित रुको, मैं फोन करता हूँ उसे। हाँ स्विच ऑफ। एक काम करिए, उसके दोस्तों को फोन करिए ना, उन्हें पता हो शायद। राहुल, अमित तुम्हारे यहाँ पे है? नहीं अंकल, मेरे यहाँ तो नहीं आया। ठीक, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तनिया अमित कहाँ चला गया? देखो टेंशन तो मुझे भी हो रही है। एक वो शाम को रेशमा के ट्यूशन के लिए गया था, शायद रेशमा को पता हो कि वो कहाँ गया। एक काम करती हूँ, मैं उससे पूछ कर आती हूँ। कविता, इस वक्त सब ठीक तो है ना? रेशमा, अमित अभी तक घर नहीं आया है और उसका फोन भी ऑफ है। तुम्हें पता है कि वो कहाँ गया है? हाँ, ऐसा कुछ बोल तो रहा था, किसी दोस्त के घर जाने वाला है। किसके? अब वो तो मैंने इतना ध्यान दिया नहीं। एक्चुअली पता है, मेरी मम्मी की भी ना तबीयत खराब है, तो मैं उनके पास ही जा रही थी, थोड़े दिन उनके पास रह के आऊंगी। अमित आए ना तो उसको बोल देना कि थोड़े दिन ट्यूशन नहीं आए। हाँ उदास क्यों हो रहे? तेरी ना जिंदगी संवरने वाली है अब मेरे साथ, देखना। और तुझे पता है, मैंने तो घर की भी बात कर ली है। अरे तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? तू खुश नहीं है? हम्म, क्या हो गया? कुछ तो बोल, बोल ना। मुझे मम्मी पापा के पास जाना है। एक बार और मम्मी पापा का नाम लिया ना तो देख, ये वीडियो याद है ना? हम्म, ले जाके सीधा पुलिस में दिखा दूंगी, तेरा पूरा घर सीधा जेल जाएगा, समझा? नहीं प्लीज प्लीज ऐसे मत करना प्लीज। चल फिर, जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे कर, चल। आइए आइए रेशमा जी, मैं आपका वेट कर रहा था। कैसे विनोद जी? मैं बहुत बढ़िया। घर की बात हुई थी आपसे। हाँ हाँ, हो गया ना? तो आप अपने बेटे के साथ रहेंगी? हाँ,
कैसी बातें कर रहे हैं? बेटा नहीं है, पति है मेरा। पति? लेकिन उम्र में तो बहुत कम लगते हैं आपसे। अब जी, उम्र का तो फर्क है, वो क्या है ना, प्यार हो गया था तो शादी कर ली। हाँ हाँ, प्यार हो जाए तो फिर क्या कर सकते हैं। तो हाँ, आपके लिए ये लीजिए चाबी, और ये वाला घर है आपका। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू। मिलते हैं। हाँ जी, थैंक यू। शकल क्यों उतार रखी है? थोड़ा मुस्कुराओ, लोगों को लगना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। स्माइल, वेरी गुड। चले क्या हुआ, झटका लगा? तू टेंशन मत ले, जब तक तुम खुद अपनी मर्जी से मेरे साथ नहीं आओगे ना, तब तक तो मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगी। पर ज्यादा टाइम मत लेना, मैं ज्यादा वेट नहीं कर सकती। जितनी जल्दी समझोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अरे ऐसे क्यों खड़ा है? चल काम पे लग जा। मतलब साफ है, अगर मेरे पैसों से ये घर चलेगा तो तू क्या बैठ के मुफ्त की रोटी तोड़ेगा? से साफ कर। पानी पीना। क्या पानी पीना? बहुत प्यास लगी है। पानी चाहिए? एक मिनट। मुझे बहुत प्यास लगी है, बॉटल दे दो। देख, पीना है तो पी ले, वरना ये भी नहीं मिलेगा। हो गया ना, अब खड़ा खड़ा देख क्या रहे? जा अंदर से मेरे लिए प्लेट लेकर। खाना भी खाएगा क्या? पानी दिया ना।
काफी है। खाना तुझे तब मिलेगा जब तू अपनी मर्जी से मेरे साथ आएगा। प्लीज मुझे बहुत भूख लगी है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे खाना दे दो प्लीज। मूड मत खराब कर प्लीज, जाए यहाँ से। प्लीज प्लीज मुझे खाना दे दो, मेरे को बहुत भूख, प्लीज मुझे खाना दे दो, प्लीज 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 खाना दे दो। बोला ना, जाए यहाँ से, उठ। सर मेरा बेटा पता नहीं कहाँ चला गया, उसे कुछ पता नहीं चल रहा। आपने उसके दोस्तों से पूछा? सर एक एक घर जाके पूछा सर, और वो किसी भी दोस्त के साथ नहीं था सर। सर मेरे बेटे को प्लीज ले आइए। कहीं ऐसा तो नहीं वो खुद ही कहीं चला गया हो? चला गया? अरे उसके लिए कोई वजह तो होनी चाहिए, और मेरा बेटा मेरे बिना कहीं नहीं जाता, और ऐसे वो अकेले कहाँ जा सकता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ। देखिए मैडम, हमें हर पहलू से सोचना पड़ता है, आप फिकर मत कीजिए, हम हर मुमकिन से मुमकिन कोशिश करेंगे अमित को ढूंढने की, आप बेफिक्र रहिए। मम्मी मुझे आपके पास आना है। मम्मी कहाँ फंस गया मैं? रेशमा, खाना, पानी, रेशमा, ओले 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 मेरा बेबी क्या हुआ? खाना, पानी, मुझे खाना दे दो, पानी दे दो। दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? हाँ मुझे भी दर्द हो रहा है यहाँ सीने में। वो मानने का बात? हाँ नहीं मानेगा है, नहीं मानेगा, मैं फिर भूखा और प्यासा। पानी। रेशमा की घिरौनी मानसिकता उसको जुर्म के रास्ते पे ले जा रही थी। उसने अपनी लालसा का शिकार अमित को बना लिया था। अमित जो कि पढ़ाई में बहुत होशियार था, अचानक फेल होने का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर सका, और उसकी नार ने रेशमा के नापाक इरादों को सामने लाकर रख दिया, जिसके चलते उसने अमित को धमकी दी कि वो उसको और उसके परिवार को बर्बाद करके रख देगी। एक वीडियो ने अमित की पूरी जिंदगी को हिला के रख दिया, जिसके चलते वो अपने माँ बाप, अपना शहर सब छोड़कर रेशमा के साथ चला आया और उसके सारे जुल्म सहता रहा। अमित की मर्जी आज भी नहीं थी, लेकिन रेशमा की जिद उसे इस हद तक ले आई थी कि वो शायद अमित को जान से भी मार दे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। ऐसे में अब देखना यह है कि क्या अमित अपनी जान बचा पाएगा, या रेशमा उस पर ऐसे ही जुल्म करते हुए एक बार फिर अपनी जिद को पूरा करने में कामयाब हो जाएगी। ठीक से तो बना, जान नहीं गया तो मैं। रेशमा खाना खाना चाहिए, मिलेगा ना खाना, तू मेरी बात मान ले, मैं तुझे खाना दे दूंगी। मुझसे वो सब नहीं होगा, खाना मत दो चलेगा, मुझे मेरी मम्मी पापा के पास जाने दो ना। मम्मी 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 कब से मम्मी की रट लगा के रखी है ना? देख तू ना ये रोना धोना बंद कर दे, वरना तू जानता है ना मैं क्या कर सकती हूँ। उठ सोफे में बैठ। क्या हुआ? जितना बोलू ना उतना कर लिया कर, चुपचाप सवाल मत किया कर मुझसे, बैठ। मुंह बंद रख।
नमस्ते बहन जी। नमस्ते, आइए बहन, आइए बैठिए। सही से दबा रही हूँ ना? कैसे पढ़े लिखे लड़के हैं आजकल, क्या करवा रहे हैं उनसे? अरे नहीं, पति है मेरे, इतनी सेवा करना तो बनता है। खैर आप वो सब छोड़िए, आप ये बताइए कि आपका आना कैसे हुआ? अरे बहन जी, आपने काम के लिए कहा था ना, तो मैंने पास में एक शोरूम है उसमें बात की है, अकाउंट संभालना है आपको। बहुत ही बढ़िया, कब से जाना है? बस दो दिन बाद। ठीक है, और आपने अपने पति के लिए भी कहा था ना, आपके पति के लिए भी बात की? नहीं नहीं नहीं, इनका रहने दीजिए, मैं हूँ ना, मैं काम करूंगी, इनको आराम की जरूरत है। आप कुछ लेंगे, चाय वगैरह कुछ? अरे नहीं नहीं, बस ठीक है, मुझे जरा निकलना है कुछ काम से, तो बाकी कुछ हो तो बताइएगा। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद। ठीक है जी, मैं चलता हूँ। हाँ जी, नमस्ते बहन जी। ठीक, अरे भाई साहब सुनिए। क्या हो बहन जी? आपने अंदर जो कुछ भी देखा वो किसी को कहिएगा मत, मेरे पति की इज्जत का सवाल है। अरे कैसा पति है आपका, एक तो उम्र में छोटा, ऊपर से ये भी नहीं पता कि कैसे औरतों को इज्जत दी जाती है। मैं भी क्या करूं, अकेली औरत हूँ, समाज में रहने के लिए सहारा तो चाहिए ना। इन्होंने शादी करने के लिए कहा, मैंने तो मना किया था, पर इन्होंने जान देने की धमकी दे दी। और इसके माँ बाप? वो भी हमारी शादी के खिलाफ है। अमित ही मुझे यहाँ लेकर आए, वैसे तो सब कुछ मैं ही देखती हूँ, पर सारे फैसले अमित लेते हैं। आप बस किसी से कुछ कहना मत, वैसे भी इनका तो अब मुझसे दिल भी भर गया है, अगर कुछ भी पता चला तो मुझे छोड़ देंगे, किसी से कुछ मत कहना। बहन जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, बस आप घर परिवार ठीक है। शुक्रिया, नमस्ते। चाहिए हम? देख जो कुछ भी चाहिए तुझे सब मिलेगा, बस तू मेरी बात मान ले, नहीं तो मरता है तुम्हारा, मुझे क्या? मैं तुम्हारी सब बात मानो, देखो पानी दे दे प्लीज। क्या क्या बोला, फिर से बोल। जैसा तुम बोलोगी मैं वैसा करूँ, मुझे पानी। देख फिर अगर मुकरा ना तो वीडियो भेज दूंगी तेरे मम्मी पापा को। नहीं मुकरो।
हो गया, भर गया तेरे पेट। देख अब तू तेरी मर्जी से मेरे पास आएगा, लेकिन ऐसे नहीं। एक काम कर, जाके पहले अच्छे से नहा ले, शैम्पू भी करना, और हाँ तेरे लिए नए कपड़े भी रख कर लाई हूँ। जाके एकदम नए नवेले दूल्हे की तरह तैयार होकर। नए कपड़े अंदर कमरे में रखे हैं, जा चेंज कर ले। खुला रहने दे। क्या बात है, आज तो तूने पुराने दिन याद दिला दिए, एकदम पहले वाला अमित लग रहा है तू। हाय नजर ना लग जाए, अब वेट नहीं हो रहा, चल। रेशमा तुम्हें मेरे साथ जो करना कर ले, और मेरी भी सहमति रहेगी उसमें, पर मेरी एक रिक्वेस्ट है। बोल जल्दी, क्या रिक्वेस्ट है? देखो रेशमा, मेरा ना बिल्कुल मन नहीं लग रहा, तुम वापिस चलते अपने शहर। क्या क्या बकवास कर रहे हैं तू, कहीं नहीं जा रहे हम। प्लीज रेशमा मेरी बात को समझो, हम जाते ही शादी कर लेंगे, और उसके बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ तुम्हारे ही घर में रहूंगा, और एक बार हमारी शादी होगी तो उसके बाद हमें कोई अलग भी नहीं कर पाए। प्लीज रेशमा मेरी बात को समझो, मेरा यहां बिल्कुल भी मन नहीं लगा, प्लीज। ठीक है, पहले अंदर चल, उसके बाद डिसाइड करेंगे कहाँ जाना। देख तू मुझे खुश रख और मैं तुझे खुश रखूंगी, और मुझे पूरा भरोसा है कि तू मुझे धोखा नहीं देगा, इसलिए देख तेरी बात भी मान ली मैंने। हाँ सच में मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता, इसलिए तो मैंने कहा था कि हम जाती शादी कर ले। मैं इतनी खुश हूं ना, तू सोच भी नहीं सकता तूने कितनी खुशी दी है मुझे, पहले ही मान जाता ना मेरी सजा से भी बच जाता। मेरी गलती है ना जो मैंने बात नहीं मानी। कोई बात नहीं, अब चल जल्दी ट्रेन छूट जाएगी, चल चल चल। अमित मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ, अच्छा किया जो तुमने मेरी बात मानी। एक काम करते पहले ना मंदिर चलते हैं, शादी करते हैं, फिर घर जाएंगे। चलो ठीक है, पहले कहीं मंदिर में चल के शादी कर लेते हैं, फिर चलते घर। हाँ यही पास में एक मंदिर है, वहाँ चलते हैं और शादी करते हैं। हाँ ठीक है। क्या हुआ रेशमा, मुझे ना बहुत प्यास लग रही है। ठीक है मैं पानी लेके आती हूँ, पर तुम कहीं जाना नहीं, यही रहना। अब तो भरोसा करो। तुम पियो। पुलिस यहां क्या कर रही? चलिए मैडम थाने। क्यों
अमित को किडनैप करने के जुर्म में। देखिए आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है, मेरे पति है, मैं क्यों इन्हें किडनैप करूंगी? अमित तुम ही कुछ बोलो ना। सर इसी ने मुझे किडनैप किया और मुझे टॉर्चर भी किया इसने बहुत, ले जाओ इसे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? डर मत बेटा, तेरी माँ आ गई। अच्छा हुआ कि हम इसी शहर में थे अमित को ढूंढते हुए, पर अमित के समय पे फोन आ गया और हम लोग यहाँ आ गए। बेटे की माँ आ गई है, बेटे की करतूतें सुनोगी ना तो शर्म से पानी पानी हो जाओगी। मुझे सब पता है कि कैसे तुमने मेरे मासूम बच्चे को अपने जाल में फंसाया, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, अपनी उम्र से आधी उम्र के लड़के के साथ ये सब घिनौनी हरकत करते हुए। इंस्पेक्टर साहब लेके जाइए इसे यहाँ से। गिरफ्तार कर लो इन्हें। आखिरकार अमित की सूझबूझ ने उसको रेशमा की कैद से आजादी दिला ही दी। किशोरावस्था के रहते वो इस दलदल में फंस तो गया, लेकिन उसी समझदारी से उसने अपने आप को वहां से निकाल भी लिया। अमित समझ चुका था कि रेशमा को जो चाहिए वो उसे पाकर रहेगी, और अगर वो चीज उसे नहीं मिली तो वो कोई और घिनौनी हरकत भी कर सकती थी, इसलिए उसने अपने माँ बाप से सच कहना जरूरी समझा। रेशमा का अकेलापन उसको एक मुजरिम बना चुका था। ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो इस अकेलेपन से गुजरते हैं और दूसरों पर अपना गुस्सा निकालते हैं। अमित जैसे बच्चों की मासूमियत का फायदा उठाते हैं, उनको अपने झांसे में फंसा कर अपने घिनौने कार्यों को अंजाम देते हैं, और अमित जैसे बच्चे उसमें फंसते चले जाते हैं। दोस्तों आकर्षण कोई बुरी चीज नहीं है, वो किसी को भी किसी के साथ हो सकती है, लेकिन उसका नाजायज फायदा उठाना ये गलत है, क्योंकि कई बार वो एक अपराध में तब्दील हो जाता है। इसलिए ऐसी कोई भी गलत हरकत करने से बचे, अपनी सोच को गलत दिशा में जाने से रोके और सबके लिए दिल में सद्भावना रखे। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से आपको अलर्ट कराने। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।